इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोलिथिक डीएसी। मोनोलिथिक डीएसी क्या है, मतलब है आईसी हैं डीएसी की, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी बनाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट नाम से बनाती हैं। जैसे कि 808 है, ये किसी और कंपनी का है, और 1408 ये मोटरोला कॉरपोरेशन का है। तो बहुत सारी कंपनी हैं ये सब बनाती हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, तो रजिस्टर नेटवर्क है और साथ में वो स्विचेस हैं जिनके साथ ये हम डिजिटल डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो जो स्विचेस हमने डिस्कस किए थे, है ना, वो सिंगल पोल डबल थ्रो जो स्विच थे, वो स्विच हैं इसके अंदर। ठीक, बाकी एक्सटर्नल जो आपको रेफरेंस वोल्टेज देनी है वो आपको एक्सटर्नली देनी है, और जो रेसिस्टेंस, जो एक तरह से रेफरेंस रेसिस्टेंस वो आर बोल सकते हैं, है ना, वो भी आपको बाहर ही लगाना है। तो जितनी करंट इधर से जाएगी वो वैसे ही डिवाइड होगी, तो करंट के अकॉर्डिंग उसको कितने हमें करंट इसमें लेनी है। ठीक है, तो आउटपुट भी मैटर करता है आईसी पे भी, उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, और वो जो करंट फ्लो होगी और जो मल्टीप्लाई करके वो आउटपुट बनेगा। ठीक है जी। दूसरा है ओपैम वगैरह जो आपको, तो ये करंट ही आउटपुट आता है, जो इतने मोनोलिथिक आईसी हैं वो सब आउटपुट में करंट ही देते हैं, और उसको फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं ओपैम की हेल्प से। यहाँ ओपैम लगाया, उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आते हैं। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो तो वही है जो आपका सिंपल डीएसी का है, जो बेसिक कन्वर्जन टेक्निक है इसका भी वही है सेम। बस इसमें आते हैं, अब इसमें यहाँ पर एक रेसिस्टर इधर लगाया हुआ है, एक रेसिस्टर इधर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए लगाया हुआ है, और उसी रेसिस्टर के इक्वल लगाते हैं जो रेफरेंस वोल्टेज के जो आपके सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, उसी की वैल्यू को लगाते हैं, तो टेम्परेचर कंपनसेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा इसमें दो मोड हैं, एक तो है यूनिपोलर मोड। तो ये यूनिपोलर मोड वाली कन्फिग्रेशन है। यूनिपोलर मोड में क्या है, जो आपका आउटपुट जाएगा यहाँ पर 5 वोल्ट है रेफरेंस से, तो 0 से 5 वोल्ट तक ही जाएगा। ठीक है, इस तरह का है, तो 0 से 5 वोल्ट तक और 5 से 0। तो बाइपोलर में क्या है, वो -5 और पॉजिटिव, नेगेटिव में -5 और पॉजिटिव का +5 हो जाता है। तो इस तरह का है। तो सबसे पहले आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है जो सेम हमारी आईसी का, अब तक जो आईसी कह रहा हूँ, जो हमारे जितने भी डीएसी रहे हैं उनका रहा है। ठीक है, तो आई नॉट इक्वल्स टू वी आर डिवाइड बाई R14। तो वी आर डिवाइड बाई आर जो कॉमन आर होता था उसकी बात कर रहे हैं, है ना, अब तक हम लेके आ रहे थे फार्मूले में। और उसमें है फिर ये समीशन ऑफ DI^-I, तो यही वाला ये बनता है। तो वी आर डिवाइड बाई R14 I रेफरेंस, जो पिछले हमने इन्वर्टेड आर टू आर लैडर डीएसई में डिस्कस किया था, तो आई रेफरेंस जैसे निकाला था वो सेम है। अब यहाँ पर है ये डीएसई दिया हुआ है, और ये 8 बिट का डीएसई है, 8 बिट का डीएसई दिया हुआ है, और उसमें पूछा है कि आई नोट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो बस वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सर्किट में मैंने सब उधर दी हुई है, 5 वोल्ट हमारा वी रेफरेंस है, सीरीज में 2.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसके बाद जो बन के आएगी करंट ये बन के आएगी। ठीक है, और फिर उसको ओपैम से उसको पास करेंगे, तो जो फीडबैक वाला रजिस्टर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगी वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज बन जाएगी। ऐसे ही फिर डीएसी है, ये एलएसबी के लिए है ना, तो एलएसबी के लिए है, तो उसमें फिर ये हमारा सीधा हो गया 1/256। तो 5V 2.5 kV × 1/256, तो ये निकल के आएगा। ठीक है जी, तो सिंपल से इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो सब हम पीछे कर चुके हैं। बस यहाँ पर तो बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोनोलिथिक आईसी में, उसमें है उसको बाइपोलर बनाना, आउटपुट को जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसको मतलब एसी की फॉर्म में देना है ना, या डीसी की फॉर्म में निकालना है, यूनिपोलर निकालना है या बाइपोलर निकालना है। तो यूनिपोलर में क्या है, वो 0 से 5 पॉजिटिव में ही बस वो मूव करेगा, और बाइपोलर में क्या है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें जो डीसी जो बायस है, ठीक है, या डीसी लेवल है उसको शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं ये केस है इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर है ये यूनिपोलर वाला केस है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। तो हमने भी पीछे डिस्कस किया ही था वो सब, उसमें हमने करंट निकाल ली थी आई नोट, है ना, तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज तो हमने निकाल ली थी आई नोट, जिसमें सारी जो डिजिट थी 8 बिट की वो सारी 1 1 1 थी। तो
वही सेम वहाँ पर लेके उसकी मल्टीप्लाई कर दी 5 किलो ओम से, तो 9.961, तो ये है फुल स्केल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी आप रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है गेन हमारा जो है वो 5, ये 5 है इधर 5 किलो ओम, और इधर 2.5 है, तो गेन है डबल हो रहा है, तो इसलिए आउटपुट जो आ रहा है वो 10 वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज फॉर द यूनिट ये इसके लिए दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई फिर 5 किलो ओम की कर दी, तो आई नोट की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी और उसकी मल्टीप्लाई 5 किलो ओम से कर देंगे और वो हमारा आउटपुट आ जाएगा जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर जो फीडबैक रेसिस्टर दिया है 5 किलो ओम का दिया हुआ, आई रेफरेंस दिया हुआ 2 मिली एम्पियर का, तो 2 मिली एम्पियर का आई रेफरेंस, ये जो आई नोट है ये बेसिकली आई नोट नहीं है, ये आई रेफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आई नोट थोड़ा गलत लिखा है, कैलकुलेट वी नोट, तो आई नोट ये है जो इसमें फ्लो हो रहा है नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एंड पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो कैलकुलेट वी जीरो फॉर फॉलोइंग बाइनरी इनपुट सीक्वेंस, तो इसको मैं आई रेफरेंस कर देता हूँ। यह है आई रेफरेंस। ठीक है जी, अब आते हैं बाइनरी इनपुट सीक्वेंस दी हुई है 1001 जो भी दिया हुआ है, ये है हमारा यहाँ पर MSB। ठीक है, तो इधर इसको MSB देना है 100, तो सर्किट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई उसमें हम जो है D0 को ले रहे थे MSB या इस तरह का, D1 को ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर फिर वापस अपने उसी पे पैटर्न पे आ जाओ, तो वो समझाने के लिए था सब। फिर जो IC वाला है, IC में वो D0 से ही बिट शुरू होगी, ठीक है, LSB D0 रहेगी और D7 जो रहेगा MSB रहेगा, और उसको बस वैसे ही यहाँ पर इनपुट पर देना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा वो डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो पहले तो आई रेफरेंस यहाँ से निकाल लिया, 5 डिवाइड बाई R14, तो 2.5 किलो ओम, तो 2 मिली एम्पियर आ गया, 2 मिली एम्पियर की मल्टीप्लाई, तो जो ये है आई रेफरेंस है ना, वही हमारा फिर अब वर्ड पे जाते हैं, अब इस वर्ड जो बनेगा इसका इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ये बना 155 डिवाइड बाई 256। ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई उससे करोगे तो आई नोट की वैल्यू आ गई, फिर वी नोट निकालने के लिए 5 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वही वाला फार्मूला है जो आपका वी नोट निकालने के लिए, वी रिफरेंस, तो यहाँ पर सिर्फ वी आर है, वी आर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई R14, सॉरी ये RF डिवाइड बाई R14, और फिर सब इधर वो कहानी, तो समीशन लगा देता हूँ, समीशन I=027, और यहाँ पर ले देता हूँ D0 to the power -I, या DI ले देते हैं। ठीक है, ये है, तो ये फार्मूला है, इसमें बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और काम हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा है 0 0 0 है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, आई नोट की वैल्यू 0 है, आउटपुट भी 0 आएगा, तो ये तो है यूनिपोलर, तो यूनिपोलर में आपका 0 वोल्ट अगर 0 0 है, और अगर मैक्सिमम कर दोगे 1 1 1 1 तो आएगा 10 वोल्ट का राउंड, यानी 9.961। ठीक है, तो जो फुल स्केल वोल्टेज है इसकी 10 वोल्ट है वैसे मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, तो फुल स्केल वोल्टेज है 9.961, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज जो होती है उसमें से हम क्या करते हैं LSB को माइनस कर देते हैं, ये LSB है तो ये आएगा। चलिए, तो कहीं टर्म अलग अलग हैं, बस आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टर्म है हाँ, कैसे कैसे दी हुई है। अब आते हैं बाइपोलर पे, ये बाइपोलर है, बाइपोलर में क्या है, यहाँ पर जो हमारी जो फ्लक्चुएट होगी जो यूनिपोलर में था तो 0 से +10 तक जा रही थी, अब इसमें क्या है, इसमें -5 से +5 तक जाएगी। ठीक है, तो सेम सर्किट के लिए बस उसमें क्या किया है, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा दिया है 5 किलो ओम का, तो यहाँ पर क्या किया है, ये जो 1 मिली एम्पियर का जो रेसिस्टर लगाया है ये क्या कर रहा है, ये इस I0 के साथ, ठीक है, तो पहले से सिर्फ I0 ही फ्लो हो रहा था, अब क्या हो रहा है I-0, तो I-0 क्या हुआ, I-0 = हुआ I0 - ये 1 मिली एम्पियर। ठीक है, अब 1 मिली एम्पियर ही क्यों लिया, अब इसको समझ लो, जितना भी आई रेफरेंस आएगा उसका हाफ लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज करो 1 किलो ओम का है तो 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी इधर, तो 5 मिली एम्पियर का यहाँ पर इधर आना चाहिए 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो उसके लिए वो रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का, तो ये फार्मूला बनता है आई नोट
डैश इक्वल्स टू आई नोट, तो आई नोट तो वही है पुराना वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये आई नोट है, और माइनस वी आर डिवाइड बाई वी बी, और वी आर ये है आपका और वी बी ये आर बी ये है, तो वी आर डिवाइड बाई आर बी, ठीक है। तो इसको बेसिकली हमें जो रेफरेंस है, तो जो हमारा ये जो है वी आर डिवाइड बाई आर बी, तो ये जो करंट है इसको आई बी नाम दे दूँ, रहने दो इसको, है ना, इक्वल्स टू होना चाहिए आई रेफरेंस डिवाइड बाई टू फॉर बाईपोलर केस, इस कंडीशन को याद रखना बस, ठीक है। अगर बाईपोलर, अगर इसमें कुछ उल्टा पुल्टा करोगे तो या तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी या नीचे शिफ्ट हो जाएगी वेवफॉर्म, ठीक है ना, बस बाकी इसमें और कोई चेंज नहीं है। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं, अब न्यूमेरिकल में ले लेते हैं कि कोई हमारे पास है वर्ड है 0 0 0 ले लेते हैं पहले, तो 0 0 के लिए क्या आएगा, अब यहाँ पर है 0 0 के लिए जो आई नोट की वैल्यू है वो तो 0 ही है, ठीक है, और 1 mA की डायरेक्शन अब इधर हो गई, तो 1 mA की मल्टीप्लाई, अब ये तो वी जीरो जो ले रहे थे वो तो इस डायरेक्शन में ले रहे थे, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वी जीरो हो गया नेगेटिव, तो कितना हो गया 0 0 0, यानी 8 के 8 बिट 0 0 है, तो 0 0 H लिख देता हूँ, 0 0 H के लिए वी जीरो इक्वल्स टू हो गया -5 वोल्ट। अब आते हैं एम एस बी वैल्यू पे, यानी 1 0 H पे, 1 0 H नहीं रहे, 1 0 0 क्या बनेगा, 8 8 0 H बनेगा, 8 0 H बनेगा, 1 0 0 0 इसको क्या बोलेंगे, 80 तो बोलेंगे, हाँ 8 0 H के लिए, 8 0 H के लिए वी जीरो की वैल्यू क्या होगी, अब 1 mA इधर से आ रहा है ना, और इधर से जा रहा है 2 mA, पर ये जब हाफ वैल्यू है तो ये भी इधर से करंट भी 1 mA आएगा, तो इसको आराम से निकाल सकते हैं, आई नोट की वैल्यू निकाल लो, आई नोट की वैल्यू है हमारी आई रेफरेंस डिवाइड बाई टू, ये तो हमारी हो गई, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है ना, तो उसमें कर लेते हैं वी रेफरेंस डिवाइड बाई R15 मल्टीप्लाई बाई R F, और इधर ये वर्ड, तो 1 0 0 से क्या कौन सा वर्ड बनेगा डेसिमल में, 127 बनेगा, क्या बनेगा इसको करके देख लेते हैं, ये बनेगा, ये तो हो गया 5 डिवाइड बाई 2.5, और ये हो गया हमारा D1 डिवाइड बाई 2, ये होना चाहिए तो 1/2 होना चाहिए ये, तो ये कितना बन गया, ये वी नोट है उस केस के लिए। अच्छा अभी अभी तो हम आई नोट ही निकाल रहे हैं पहले, तो आई नोट में वी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, इस वाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है चलो, तो इस तरीके से करते हैं, आई नोट डैश है इधर, हमें चाहिए आई नोट, तो आई नोट तो है ये वाली, तो इस वैल्यू को यहाँ पर सीधा सीधा ये वी आर डिवाइड बाई R14, यहाँ पर R है भूल जाओ, तो ये वी आर डिवाइड बाई R14, तो ये बना 2 mA/2, तो 2 mA/2 वी माइनस वी आर माइनस आर बी, ओ सॉरी माइनस वी आर डिवाइड बाई आर बी, तो ये कितना बना 5/5, ये बना 1, तो 1 mA ये बना, तो ये 1 mA ये आया 0, तो जब करंट रहेगी 0 I0 डैश, तो यहाँ पर वोल्टेज भी होगी 0। जब सारी वैल्यू 1 1 हो तब क्या होगा, सारी वैल्यू 1 1 है ना, तो अब वर्ड हो गया हमारा FFH, तो V0 की वैल्यू क्या होगी उस केस में, तो FFH के लिए सबसे पहले I0 निकालना है इसी फार्मूले से, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो ये कितना बन गया 255 डिवाइड बाई 256, है ना, तो 255 मल्टीप्लाई बाई 2 255 मल्टीप्लाई बाई 2 mA/256, ठीक है जी, और माइनस ये तो फिक्स है 1 mA, ये 1 mA, अब देख लेते हैं कितना आएगा, तो ये आएगा 1 से लेस ही आएगा, है ना, तो 1 से लेस आएगा तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 0.992 mA, और V0 जो है RF में मल्टीप्लाई कर दो इस I0 डैश की, ये I0 डैश आया बेसिकली, है ना,
इसकी मल्टीप्लाई कर दो आरएफ में, तो हमारा आ जाएगा वी जीरो, तो कितना हुआ 0.992 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आएगा प्लस 4.9656, हाँ चलो 6 के आसपास आएगा, 5 वोल्ट नहीं आएगा क्योंकि जो वी जीरो है वो लेस है, मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ वी, इसको बोल सकते हो वी जीरो मैक्स जो है वो तो है प्लस 5 वोल्ट, पर जो वी ओ फुल स्केल है वो आएगी मैक्सिमम वोल्टेज जो है 5 माइनस LSB, ठीक है, बस इसको याद रखना, तो इसी वजह से ये इतना कम आया है, ठीक है जी। तो अब इसको यहीं रहने देते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी हो गए, कैसे वर्ड वर्ड निकालना है, बाकी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ मैसेज करें। हाँ एक और है, एक और है, उसका भी नाम थोड़ा सा उसको भी यहाँ भी कवर कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग DSA, मल्टीप्लाइंग DSA ऊपर चलते हैं, मल्टीप्लाइंग DSA तो ये भी बन जाएगा। खैर चलो सर्किट से समझाते हैं, VR की जगह जहाँ पर भी VR है, जैसे यहाँ पर VR है, ठीक है, ये तो मैंने ज़्यादा बिगाड़ दिया भाई, ये ठीक है। हाँ तो यहाँ पर जो VR है तो ये है अभी DC वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसको रखेंगे VRT, मल्टीप्लाइंग DAC की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग DAC, मल्टीप्लाइंग DAC का जो यूज़ है बेसिकली, तो इसमें VR जो है अभी तक तो DC वोल्टेज दे रहे थे, अब देंगे हम यहाँ पर, सपोज करो हमने दिया वी इन कोस, वी इन है जो इनपुट का जो एम्पलीट्यूड है, जो इस पर इनपुट वोल्टेज दे रहे हो वो उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो वी इन कोस 2 ωt कर देते हैं, 2 πft कर दो, ठीक है, तो जो वी आउट जो आएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा वी ओ मैक्स कर लेते हैं, चलो इसको कोस 2 πft प्लस 180, अगर प्लस में दे रहे हैं तो उधर वो है ना वो माइनस शिफ्ट, ये माइनस की वजह से, तो प्लस 180, और जो VOM की वैल्यू जो है वो 0 वोल्ट से लेके और वेरी करेगी, जैसे कि इसमें कर रही थी, वेरी करेगी 1 माइनस 2 द पावर माइनस n मल्टीप्लाई बाई वी इन तक, ठीक है, तो 0 वोल्ट से लेकर और वहाँ तक जाएगी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ये वाली तो, और ये मिनिमम वैल्यू होगी उस केस में। अब इसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली इसका यूज़ करते हैं जैसे कि ऑडियो, कोई ऑडियो सिग्नल है उसको एटेन्यूएट करना है, तो उसको कंट्रोल करना है डिजिटली, तो यहाँ से वो डिजिटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड उसका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इसकी हेल्प से, इन डिजिटली ये जो डिजिटल जो वर्ड है बनेगा यहाँ से, बाइनरी वर्ड से, ठीक है। दूसरा है इसको अगर हम इंटीग्रेटर और साथ में लगा दें, ठीक है, तो वो प्रोग्रामेबल ऑसिलेटर बन जाते हैं, और या फिल्टर बनाना है फिल्टर बन जाएगा, इंटीग्रेशन वैसे भी एक तरह का फिल्टर ही है, ठीक है ना, तो उसको क्या वो कौन सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, एक हाई पास फिल्टर होता है एक लो पास फिल्टर होता है, थोड़ा सा ये करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस तरह का, तो इस तरह का हम इसको यूज़ कर लेते हैं, तो बेसिकली यूज़ है इसका डिजिटली कंट्रोल है ना, ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए डिजिटली हम यूज़ करते हैं इस तरह का मल्टीप्लाइंग DAC का, तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है, पर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कंट्रोल हो रहा है किससे, इन सब से, डिजिटल वर्ड से, ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं, लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल, तो काफ़ी मेहनत लगती है ना, और उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मैसेज करें, और अदरवाइज अप्रिशिएट करें, है ना, चलिए यहीं रोकते हैं।